फर्स्ट वेरी टेस्ट हॉट सरसों का तेल एंड देन वी पुट चिलीज आफ्टर द रोस्टिंग ऑफ चिलीज देन वी समटाइम वेट एंड देन वी पुट टर्मरिक। अगर आप टर्मरिक को पहले नहीं दीजिएगा, सॉल्ट को दिए, अब इसके बाद हम लोग देंगे टर्मरिक को। अगर आप टर्मरिक को पहले नहीं दीजिएगा तो इसका सुगंध या जो भी गंध बोलते हैं हल्दी लगेगा खाने के टाइम। सो यू वी यूज टर्मरिक फर्स्ट देन वी पुट व्हाट मटर एंड देन वी रोस्ट इट। उसको अच्छे से चलाएंगे और देन वी पुट गरम मसाला जीरा मरीच एंड एक्सेट्रास व्हाट यू वांट टू डू put in and then we put whole aloos potatoes so whole potatoes mix up and then we sometime roast it usko achhe tarike se chalayenge and then we mix it and purely usko hum log ko itna plain karna hoga itna usko kutna hoga ek tarah se man bhar ko kuto usko jab tak achhe tarike se putiyega nahi tab tak uska jo masala hai usme nahi jayega। और दूसरी बात, अगर इस तरह बड़ा बड़ा रहेगा तो आप आलू जब भी बेलिएगा तो वो फट जाएगा। इसलिए आलू का भरा हुआ रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले ये आलू का पराठा बनाने के लिए आपको ये ध्यान ही रखना होगा कि इसको मसाले को अच्छी तरीके से कुंदा जाए। अब आप देख सकते हैं ये मसाला अच्छी तरीके से कुंदा चुका है। गुनने के बाद इसको और अच्छी तरीके से प्लेन मसाले को और चोखा को अच्छी तरीके से इसको, यानी कि उसके बाद इसमें पुट करेंगे धनिया पत्ता। देन वी समटाइम वेट बिकॉज आफ्टर सम टाइम धनिया पत्ता स्मेल एंड टेस्ट इज वेरी नाइस। दैन वी फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे और फिर कुछ देर वेट करेंगे। इसके बाद इसका सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है किस तरह आप आटा में इसको भरिएगा। अब पूरा देख सकते हैं मसाला टोटल कम्प्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग इसको मसाले को आलू में भरेंगे। तो उसके लिए आटा में भरना है तो इसको सबसे पहले देखिए गोली बना के उसको अच्छे से कटोरी के आकार का देना है, उसके बाद उसमें आलू भर देना है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से बंद करना है। अगर अच्छे तरीके से बंद नहीं कीजिएगा तो आलू बाहर आएगा, और अगर आलू बाहर आया तो आपका रोटी नहीं खिलने वाला, आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप आलू को अच्छी तरीके से भर के उसको बंद करो। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से इसको बेलेंगे, बेलना भी एक कला है। अब ज़्यादा अगर फोर्स से इसको बेलिएगा तो आलू इधर उधर से बाहर निकल जाएगा, तो अगर आपको चाहिए कि आलू मेरा इधर उधर ना निकले तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से बेलना पड़ेगा कम फोर्स के साथ। अगर व्हेन यू अप्लाइड मोर फोर्स देन वी पुट इन हॉट तवा टेक तवा एंड पुट द आलू रोटी एंड इसको फिर पलटेंगे और कुछ टाइम तक इधर भी रोस्ट करेंगे। जब इधर रोस्ट हो गया तो सबसे पहले इसमें सरसों के तेल से हम बनाएंगे, क्योंकि सरसों तेल एयर गुड्स फॉर हेल्थ, रिफाइंड से अच्छा रहता है क्योंकि पाम ऑयल आर वेरी बैड। देन वी पुट सरसों तेल एंड वेट सम मोर टाइम, उसको कुछ देर इंतज़ार करेंगे फिर इसको पलटेंगे। अब इस साइड देख सकते हैं अब अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए हम लोग कुछ देर और छोड़ेंगे। उसके बाद इस साइड में भी हम लोग तेल सरसों का ही यूज करेंगे। आप लोग को जितना क्वांटिटी में पसंद है उस क्वांटिटी में तेल यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा यूज कभी कभी करता हूँ और कभी कम भी, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन यूज किया है। अब इसके क्वाइन देखिए किस तरह से ये फूला हुआ है, इसको इतनी अच्छी तरीके से रोटी आपको होटल में मिल सकती है या तो घर वाले में बनाने में बड़ी मेहनत है। तो आप देखिए किस तरह से ये फूल चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे टमाटर की मीठी चटनी जिसमें मैंने गुड़ से बनाया है। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं भी इसकी वीडियो ली। अब देख सकते हैं मैंने सूखी रोटी ली है जिसमें ऑयल नहीं भी दिया है, और एक रोटी ली है जिसमें ऑयल दिया है। इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।